लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम हमने रखा है, ये एक हमारे भारत में एक ऐसी महान विभूति हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनके सम्मान में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। आज उनकी जन्मतिथि है, आज 297वीं उनकी जन्मतिथि है, जिन पर हमने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके हमने ये आज का ये कार्यक्रम जो है संपन्न किया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हमने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनका जन्मदिन मनाया है। महारानी अहिल्याबाई होलकर न्याय और धर्म की देवी मानी जाती हैं। अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं कि वो कितना न्यायप्रिय थीं और वो जनता के लिए जो है वो अपने रिश्तों को उन्होंने नहीं देखा। एक बार की बात है कि रानी अहिल्याबाई होलकर का बेटा था, उनका पुत्र था मालोजी राव। तो मालोजी राव जो है वो एक बार रथ पर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय का बछड़ा क्रंदन कर रहा था, खेल रहा था। तो गाय का बछड़ा जो वहाँ पर खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो गाय का बछड़ा किसी तरह से उनके रथ के पहिए के नीचे आ गया, और पहिए के नीचे आ गया तो वहाँ पर वो बछड़ा बेचारा तड़प तड़प के मर गया। अब मरने के बाद भी मालोजी राव ने उसको अनदेखा कर दिया और वहाँ से वो चले गए। जब गाय का बछड़ा वहाँ पे मर गया, गाय ने देखा तो गाय वहाँ पर आई और गाय ने वहीं पर बैठकर गाय विलाप करने लगी, जैसे मान लो उसने वो रोड पर धरना दे दिया हो, इस तरीके से वो रोड पर बैठ गई, रोड को घेर करके। थोड़ी देर में वहाँ से रानी अहिल्याबाई होलकर की रथ निकली, उनकी सवारी निकली। तो अहिल्याबाई ने देखा कि ये गाय कैसी बीच सड़क पर बैठी हुई है, तो उन्होंने लोगों से उनके बारे में पूछा। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अहिल्याबाई को ये बता सके कि उनका जो बेटा है, उनका बेटा ही ये घटनाक्रम करके गया है। फिर किसी ने बड़ी हिम्मत करके और नाम बताया, उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाया कि इस तरीके से आपका आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ। तो अहिल्याबाई, क्योंकि न्याय और धर्म की देवी मानी जाती हैं, उन्होंने वो घर गई वहाँ से सीधी, और घर जाकर के उन्होंने अपनी बहू से पूछा, बहू मेनाबाई थी। उन्होंने मेनाबाई से पूछा कि एक बात बताओ कि अगर किसी माँ के सामने उसके बेटे को कुचल कर मार दिया जाए अपने रथ से, तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। उनकी बहू ने कहा कि ऐसे उद्दंड व्यक्ति को तो मृत्युदंड दे देना चाहिए। तो अहिल्याबाई बड़ी सोच में पड़ गई। अगले दिन वो दरबार में पहुंची। दरबार में पहुंच करके उन्होंने मंत्रियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा सुझाव लिया कि क्या करना चाहिए, और उन्होंने ये आदेश दिया कि उनके बेटे को बुलाया जाए और उनके बेटे के हाथ पांव बांधकर उसी तरह से जैसे बछड़ा मरा था उसको भी रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए। ये उन्होंने आदेश कर दिया। अब ऐसा आदेश का पालन कर पाना किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात थी। लोग सामने नहीं आ रहे थे कि अब इसको मृत्युदंड को कौन अंजाम देगा। तो अहिल्याबाई ने खुद उस रथ की कमान संभाली और वो खुद उस रथ पर बैठ करके और अपने बेटे को कुचलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ऐसी जो घटना हुई, ये जो घटना थी, इसको देख करके हर किसी का हृदय कांप गया था। लेकिन फिर जो हुआ अगले पल, वो बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि वो जो गाय थी, वही गाय जिसका बछड़ा मरा हुआ था, वही गाय आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। लोगों ने हटाने की कोशिश की, उन्होंने बार बार आदेश दिया इस गाय को यहाँ से हटाइए, लेकिन गाय बार बार आकर के उस रथ के सामने खड़ी हो जाया करती थी। अब उनके मंत्रियों ने रानी अहिल्याबाई होलकर को समझाया कि हो सकता है गाय आपको ये संदेश देना चाह रही है कि आप इस पर दया करिए और इसको क्षमा कर दीजिए। अहिल्याबाई ने फिर बहुत कुछ सोच समझ कर उस घटना को वहाँ पर रोका और अपने बेटे को क्षमा किया। लेकिन इस घटनाक्रम से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि न्याय जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो राजा हो या प्रजा। तो ऐसी अहिल्याबाई होलकर की आज जन्मतिथि थी, 297वीं जन्मतिथि। हम लोगों ने यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनके जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके हमने मनाई है। जी, मेरा नाम सचिन बलिया है। आज हमारे राष्ट्रगौरव पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय अनन्य शिव भक्त
माँ ऐश्वरी देवी अहिल्याबाई जी का आज जन्मदिवस है। इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम माता अहिल्याबाई जी की प्रतिमा पर सुबह 7 बजे एक माल्यार्पण कार्यक्रम रखे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर फरोजाबाद में साहित्य और हिंदी के विकास उत्थान के लिए समर्पित प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से किया गया, जिसमें इस शहर के बड़े बड़े साहित्यकार बंधुओं ने अपना प्रतिभाग किया। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जन्मोत्सव महोत्सव हम पूरे देश में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं।